कटहल के पकोड़े बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे आधा कप छना हुआ बेसन। इसमें डालेंगे हम करीब 3 टेबल स्पून मैदा, हाफ टी स्पून काला नमक, 8 से 10 चुटकी सी सॉल्ट, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून दरदरी लाल मिर्च, 1 टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टी स्पून काली मिर्ची पाउडर, 8 से 10 चुटकी अजवाइन क्रश करी हुई। मिक्स करेंगे, आधा कप डालेंगे पानी, अच्छे से करेंगे विस्क, थोड़ा सा पानी और डालेंगे 1/3 कप, मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे कर लिया है मिक्स और यहाँ पर कटहल हमने 300 ग्राम काट लिया है और इसे पतले पतले साइज में आपको काटना है इस तरीके से, और इसे पानी इस तरीके से निथार कर और डाल देंगे यहाँ पर बेसन के खोल में। मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद डालेंगे इसमें करीब आधा नींबू का रस, नींबू के रस को कर लेंगे मिक्स। बस मिक्स हो गया है, तो यहाँ पर चढ़ा दिया हमने तेल सरसों का, काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है, धुआं इसमें से निकल रहा है, और इधर हम ये बेसन का घोल है तो यहाँ पर इसको करेंगे इस तरीके से मिक्स घोल में, और इस तरीके से उठाकर इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा सा हम चलाएंगे और ये जो साइड में ये बेसन के घोल आया हुआ है इसको हम निकाल लेंगे। तो कटहल के पकोड़ों को हम मीडियम लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे, क्योंकि कच्चे नहीं रहने चाहिए वरना अच्छे नहीं लगेंगे। तैयार है गर्मा गर्म क्रिस्पी कुरकुरे कटहल के पकोड़े। अभी खाइए, बनाइए, एंजॉय करिए। तो रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ऐसी ही रेसिपी पाने के लिए।